दोस्तों जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इससे अच्छा अवसर पूरे यूट्यूब में नहीं, आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतना अच्छा अवसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से कम 2 लाख रुपया महीना कमाएंगे और 10,000 के सामान को आप डायरेक्ट 1 लाख में बेचेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, वीडियो अगर मिस करेंगे तो आप बहुत बड़े अवसर से चूक जाएंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ और ये बिजनेस आइडिया एक ऐसा है जिसमें आप महज 10,000 रॉ मटेरियल में आप लगाएंगे और उसे बड़े आराम से 1 लाख रुपये में कम से कम बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल कम से कम बिकेगा 1 लाख में। एक कंपनी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन देती है और वो आपको तैयार करेगी, बताएगी कि आपको मसाला कैसे बनाना है और उसके बाद वो मसाला बनाने के बाद आप इंडिया में तो बेच ही सकते हैं, साथ में आप इंडिया के बाहर विदेशों में इंडियन मसाले का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि ये बात सही है कि क्या आपको पता है कि इंडियन मसाला जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए विदेश के आदमी कोई भी हो, विदेश के आदमी मोस्टली इंडियन मसाला बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप दुबई में देख लीजिए तो दुबई में जो मसाला के किंग हैं वो भारतीय हैं, मतलब भारत से ही टोटली मसाला दुबई में जाता है और दुबई में अथाह पैसा है, वो मनमाना रेट देते हैं। और दोस्तों इसके साथ में कंपनी आपको आपसे 35,000 कंपनी लेगी, लेकिन किस चीज़ के लिए लेगी, चाहे आप मशीन के लिए मान लीजिए, चाहे जो वो बनवा के देगी आपको लाइसेंस उसका मान लीजिए। तो अगर हम मान भी लेते हैं मशीन का तो भी आपको इस बिजनेस से कम 2 लाख रुपया महीना का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी पहली चीज आपको फ्री ऑफ कास्ट मशीन देती है, उसके बाद आपको एक GST बनवाकर कंपनी देगी, उद्योग आधार बनवाकर देगी और IFSSI का लाइसेंस देगी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंपनी लाइसेंस देगी, जिसका टोटल एक्सपेंसेस आता है, टोटल खर्चा आएगा 35,000 रुपया। आपसे कंपनी 35,000 रुपया मात्र लेगी, जिसमें वो आपको एक मशीन देगी। कंपनी ये कहती है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन दे रहे हैं लोगों को प्रमोट करने के लिए, कंपनी के पास इतने ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं कि वो दे नहीं पाती, इसलिए लोगों को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये बोलें कि नहीं हम फ्री में मशीन बस ले लेंगे और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको ये चीज़ मस्ट है, करवानी ही पड़ेगी, जिसमें आपको GST मान लीजिए 3-4 हज़ार का बन जाता है, GST आपके नाम में बनेगा, कम से कम 5,000 रुपये GST में खर्चा आ जाता है। IFSSI का लाइसेंस आप लेंगे तो इसमें भी 4-5 हज़ार खर्चा आ जाता है और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट उद्योग आधार लेंगे तो उसमें भी 1,000 खर्चा आ जाएगी, 11,000 तो यही हो गया, प्लस जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनता है उसमें कम से कम 50,000 खर्चे आते हैं। लेकिन आपको ये सारा सामान कंपनी कुल 35,000 रुपये में दे रही है, प्लस आपको कंपनी गाइड करेगी कि आपका कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी कि आप किस तरह से बिजनेस करें, कैसे करें कि आप कैसे अधिक से अधिक पैसे कमा सकते हैं। कंपनी आपको ये भी बताएगी कि आप किस किस देश में जाके बिजनेस करें और विदेशों में अपना माल कैसे बेचें, ये सारा कुछ आपको गाइड करेगी। और दुबई में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की मांग है, आप दुबई ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, इटली ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, हर जगह इंडियन मसाला वहाँ इतना ज़्यादा बिकता है और आज के डेट में मसाला का इतना बड़ा मार्केट हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप देखिए MDS मसाला, MDS जैसे हजारों कंपनियाँ हैं, लेकिन मसाला का दिनों दिन व्यापार सबसे ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आज लोगों के पास टाइम नहीं है। गाँव में जो लोग रहते हैं उनके पास चलिए फ्री है तो टाइम है, लेकिन बाकी शहरों में, गाँव में भी आजकल छोटे छोटे शहरों में भी टाइम नहीं रहते हैं, तो आजकल लोग बाग क्विकली चाहते हैं, सब चीज़ जल्दी चाहते हैं कि मैं बस सामान लूँ, सामान डालूँ और तुरंत बन गया। और ये जो मसाला आप बनाएंगे तो इस मसाले को आप सिर्फ, जैसे मान लीजिए कोई भी आइटम आपको बनाना है, भिंडी की सब्ज़ी बनाना है तो आप मसाला को डालिए, भिंडी को डालिए, ये लीजिए 2 मिनट बन गई सब्जी आपकी, ग्रेवी टाइप का मसाला, 2 तरह का मसाला ये कंपनी आपको बताएगी, कंपनी पूरा फार्मूला बताएगी। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि विदेशों में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप
वीडियो में देख भी रहे होंगे, इस मशीन में कुल 5 किलो मिर्चा डालना है। 5 किलो मिर्चा डाल के उसको अच्छे से पीस लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन में। और इसके बाद इसमें 2-3 तरह की आप मिर्ची भी डाल सकते हैं, जिससे कि स्वाद उसका अच्छा आ जाए। और जब मिर्ची अच्छे से पिस जाए, तब इसमें आपको चैली पत्ता डालना है, धनिया डालना है और जीरा डालना है। और इसी मिर्ची के साथ में डालकर और तीनों को साथ में पीस देना है, अच्छे से पीस देना है। जब वो पिस जाएगा तो आप 3 आइटम एक साथ 4 आइटम जब एक साथ आप पीस देंगे तो वो एक मसाला तैयार हो जाएगा, और बहुत ही टेस्टी मसाला होता है। आप इसे कंपनी जाकर यूज भी कर सकते हैं। कंपनी में बात करने से और यूज करने से आपको, आपका कोई ज़्यादा पैसा तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर कंपनी के द्वारा आपको 2 लाख रुपये फ़ायदा मिलेगा तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल इंडिया में बेरोजगारी चरम पर चल रही है। तो उसके बाद ये मसाला आप छोटी छोटी पैकेट में बंद करके और इसे मार्केट में बेच सकते हैं। पैकेट में कैसे बंद करेंगे, तो पैकेट की सीलिंग मशीन आती है कुल 1000 में, और पन्नी रेडीमेड मिल जाती हैं, या कि अगर आपको अपने नाम की स्लिप छपवानी है तो आप पन्नी नॉर्मल ले लीजिए ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद अपने नाम का उसमें पर्चा छपवा दीजिए और इसको मार्केट में निकालिए। तो इंडिया में जितना आप निकाल सकते हैं तो निकालिए, प्लस आपको विदेश जाने की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, विदेशों में बहुत ज़्यादा पैसा है, ये रियलिटी है। जो भी विदेश गया है वो बन गया है। विदेश का मतलब कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो अपनी हेल्थ पर और खाने पर विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, आपका दुबई हो गया। यहाँ पैसे की कीमत ही नहीं है, मतलब मनमाना पैसा वो लोग खर्चा करते हैं खाने पीने के लिए और अपने शौक शौक के लिए, इतना ज़्यादा पैसा है। तो एक तो इसका आप मसाला बन गया, दूसरी आपको ग्रेवी बन जाती है। दूसरा मसाला दोस्तों आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। जैसे आप इसी मशीन में देखिए, देख ही रहे होंगे, 1 किलो प्याज, 3 नारियल और 1 पाव मात्र टमाटर और पुदीना और हरी धनिया इसमें डाल दीजिए और इसको पूरा अच्छे से पीस लीजिए। देखिए जैसे पीस रहा है उसमें, और इसको पीस कर आप निकाल लीजिए। लेकिन अगर इसको ऐसे ही आप देंगे गीला मसाला, तो इसको फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 दिन चल पाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे आपको बना के दे देंगे, कंपनी ऐसे आपको बना के देगी जिसको 1.5 से 2 साल कम से कम इसकी एक्सपायरी हो जाती है, 2 साल तक इसको आप चला सकते हैं। इसको उसी मशीन में नीचे आपको जिस थाली में निकालने हैं उसमें ड्रायर में रख दीजिए। ड्रायर में रख देंगे तो सूख जाएगा, ये सूख जाएगा तो इसकी 2 साल उम्र हो जाती है, और 2 साल में इसको आप बड़े आराम से बेच सकते हैं। 2 साल क्या, इतना ऑर्डर आएगा आपके पास कि आपके पास माल देने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी। ये ऐसा बिजनेस है, क्योंकि आजकल हर कोई पिसा मसाला पसंद करता है। ये कंपनी जो मसाला ये फार्मूला बता के दे रही है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला है। और अगर किसी को मिर्चा चाहिए तो मिर्चा के साथ, और देखिए ये जो दूसरा वाला मसाला ग्रेवी वाला बता रही है कंपनी, इसमें आपको मिर्ची बिल्कुल नहीं डालनी है। कुछ लोग मिर्ची नहीं पसंद करते हैं तो ये बिना मिर्ची वाला मसाला हो गया। अगर कोई इसमें मिर्ची पसंद करता है तो इसमें अलग से जो आपकी मिर्ची पाउडर रहेगा उसमें ये डाल दीजिए। और उसमें मिर्ची का पाउडर बस नहीं रहेगा, उसमें कई चीज़ें मैं आपको बताया हूँ जैसा कि पहले। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, जिसके माध्यम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। और इस बिजनेस के लिए आपको अगर बात करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दे दूंगा, वीडियो के नीचे नंबर दे दूंगा, तो आप उस नंबर पे आप कॉल करके और कंपनी से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और पूरी जानकारी लेने के बाद अगर आपको लगता है तो बिल्कुल करिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि कंपनी आपका इतना सपोर्ट करेगी।